हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम IIT JEE 2020 का मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 20 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 था हमारे पास, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन LY इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। द फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स वाई एल वाई इक्वल टू जीरो। बी के मैग्नीशियन कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई, वो इससे मल्टीप्लाई करने पर एल वाई यानी इस फंक्शन से ये फंक्शन जो होता है एग्जैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पूछा है जो एफ एक्स वाई ये है हमारे पास एफ एक्स बराबर 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। देन इस पूछा है कि जो सोल्यूशन होगा वो किस फॉर्म का होगा, जनरल सोल्यूशन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा। तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में बन जाती है कि उसका सॉल्यूशन इजीली निकल आए या उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा हो, इस तरह की बदल जाती है। तो हम ये देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले उससे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है एफ इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वाई बराबर 1 - kx y, k बिलोंग्स टू आर इज नॉट अ जनरल सॉल्यूशन। सेकेंड है एफ इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वाई बराबर -1 + kx y, के बिलोंग्स टू आर इज इट्स जनरल सॉल्यूशन। एफ इज एन इंटीग्रेटिव फैक्टर एंड वाई बराबर -k + kx y, के बिलोंग्स टू आर नॉट इट्स जनरल सॉल्यूशन। एफ इज नॉट इंटीग्रेटिव फैक्टर एंड वाई बराबर 1 + kx y, के बिलोंग्स टू आर इज इट्स जनरल सॉल्यूशन। यानी फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन जो है, इसमें ये ऑप्शन ये कह रहा है कि एफ हो सकता है कि इंटीग्रेटिव फैक्टर ना हो। तो पहले हमें यह भी चेक करना है कि इंटीग्रेटिव फैक्टर बनता है या नहीं बनता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम वो जो टर्म लिख लेते हैं, जो टर्म दी हुई है हमारे पास एल वाई दिया हुआ है, वो दिया हुआ है वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये हमारे पास एल वाई दिया हुआ था। एफ एक्स वाई था वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई 1/x² y² और ये कह रहा था कि एफ एक्स अगर इंटीग्रेटिव फैक्टर है तो ये जीरो है हमारे पास, मतलब इंटीग्रेटिव एफ एक्स वाई जो है इंटीग्रेटिव फैक्टर है। पहले हमें चेक करेंगे कि ये इंटीग्रेटिव फैक्टर है भी या नहीं। तो मैंने इंटीग्रेटिव फैक्टर की डेफिनेशन बताई थी। इंटीग्रेटिव फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से बन जाए कि उसका डेरिवेटिव हमारे पास आसानी से दिखने लगे, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, हम ये भी कह सकते हैं एग्जैक्ट बन जाए। तो इस तरह से पहले हम इसका करते हैं 1/x² + x² y² का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ इस इक्वेशन में। तो एफ एक्स वाई एल वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/x² y² y - y² डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या कह रहा है, एफ एक्स वाई एल वाई इक्वल टू जीरो। ये एग्जैक्ट है। अब ये कह रहा है कि ये एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट है तो हम देखते हैं पहले एग्जैक्ट है या नहीं। तो इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास y - y² / x² y² डी एक्स प्लस एक्स x² y² डी वाई। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको y/x² y² डी एक्स माइनस यहाँ से 1/x² डी एक्स प्लस यहाँ से लिख सकते हैं इसको हम x/x² y² डी वाई। तो ये हो गए हमारे पास -1/x² डी एक्स, इसको पहले लिख लिया हमने, प्लस ये हो गया हमारे पास वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई 1/x² y². अब फिर से हम इसको देखें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास। तो ये 1/-x² अगर यहाँ माइनस साइन ले लें हम, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये को माइनस वाई डी एक्स
प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई का इन्वर्स, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई इन्वर्स अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, ये टर्म पहले नीचे जाएगी वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद डी ऑफ एक्स वाई खुलेगा तो हो जाएगा वन अपॉन माइनस साइन के साथ जाएगी माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो ये जो टर्म है वो सेम यही टर्म है, तो अब इसे सॉल्यूशन में हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर है डी एक्स माइनस डी ओवर सॉरी माइन डी ऑफ एक्स वाई इनवर्स होल इनवर्स। तो दोनों तरफ हमें इक्वल टू जीरो चल रहा है इसके, और दोनों तरफ हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन हट जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन करने पर, प्लस एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू सी वन, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू सी वन। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो ऑप्शन है, अब ऑप्शन में देखते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें वाई बराबर पूछा है, हर ऑप्शन में वाई बराबर कुछ ना कुछ है, तो हमें वाई बराबर निकालना है, रो के एक्स वाई भी है, तो हमें क्या करना है, हम फ्रेंड्स इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा एक्स वाई, तो ये हो जाएगा वाई प्लस वन इक्वल टू सी वन, तो ये हो गया हमारे पास वाई प्लस वन इक्वल टू सी वन एक्स वाई, या वाई इक्वल टू माइनस वन प्लस सी वन एक्स वाई। हाँ फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की, ये माइनस का साइन है तो ये भी माइनस का साइन आएगा, ये भी माइनस का आएगा और ये भी माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब फ्रेंड्स ये टर्म जो आई है हमारे पास वाई बराबर वन प्लस सी वन एक्स वाई, ये किस से मैच खा रही है हमारे पास, क्योंकि सी वन जो है वो कॉन्स्टेंट है, इसको माइनस में भी लिख सकते हैं प्लस में भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास पहले चाहिए ये वन जो पॉजिटिव हो, तो ये वन पॉजिटिव कहाँ है, इसमें है हमारे पास वाई बराबर वन माइनस के एक्स वाई, इसको कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं, बट हमारे पास एफ जो है वो इंटीग्रेटिव फैक्टर निकल आया है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंड एफ इज एन इंटीग्रेटिव फैक्टर एंड वाई बराबर वन माइनस के एक्स वाई, के बिलोंग्स टू आर इज अ जनरल सॉल्यूशन, इसके जनरल सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, नोट नहीं है इसमें, जनरल सॉल्यूशन है, ए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरह से।